भोजन प्रसादी शुरू हो गया है। अब हम सब लोग यहाँ पे भोजन प्रसादी ग्रहण करने वाले हैं अन्नकूट की। आप भी भोजन प्रसादी का आनंद लें। बड़े ही प्रेम से प्रसाद का आनंद लें। अन्नकूट भोजन प्रसाद जो कि गुफा मंदिर की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है, भगवान की कृपा से और गुरु महाराज जी की कृपा से हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस भोजन प्रसाद को हम ग्रहण कर पा रहे हैं। यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है। जो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं संकीर्तन करें, पर्याप्त व्यवस्था है, पर्याप्त भोजन व्यवस्था है, पर्याप्त बैठने की भी व्यवस्था है और सभी को बड़े प्रेम से यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण करना है। बस जितना आप ग्रहण कर सकें, और परोसने वालों से भी निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा डालें, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा डाल देंगे। दरवाजे पर जो लोग हैं वो कृपया देख लें, जहाँ स्थान खाली है वहाँ लोगों को बिठाते और सभी को बड़े प्रेम और आनंद से भोजन प्रसाद का की व्यवस्था करते रहें। सभी के लिए बहुत पर्याप्त भोजन की व्यवस्था है। बड़े आनंद और प्रेम से भोजन प्रसाद ग्रहण करें। ये ईश्वर की कृपा है और गुरु महाराज का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस भोजन प्रसाद को हमें ग्रहण करने का अवसर मिला है। तो बड़े प्रेम और आनंद से इस भोजन प्रसाद को ग्रहण करें। सभी से निवेदन है कि लोगों को बिठाते जाएं, परोसने वाले सब लोग बड़े प्रेम से सबको परोसें, थोड़ा थोड़ा डालें ताकि भोजन प्रसाद व्यर्थ ना जाए, दोबारा ले सकते हैं। सभी भोजन प्रसाद ग्रहण करते जाएं, सबको बिठाते जाएं। भोजन प्रसादी ग्रहण करी, आप लोगों को दिखाया किस तरीके से अच्छी व्यवस्था है और बहुत आराम से बहुत प्रेम से भोपाल वासियों ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया और
बहुत बढ़िया से बारी बारी से सब लोग बैठ के किस तरीके से बढ़िया प्रसादी ग्रहण कर रहे थे, इसका पूरा मैंने आपको भी लाइव दिखाया भी है और आप लोगों की उपस्थिति भी मैंने कोशिश करी है कि अन्नकूट के दर्शन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सकें। और एक कोशिश थी कि इस ब्लॉग को पूरा कंप्लीट किया जाए, बहुत दिन हो गए कोई अच्छी तरह से ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ अब कोशिश ज़रूर रहेगी कि इस तरीके से अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप लोगों को दिखाते रहें और आप लोगों को इसका दर्शन लाभ मिलता रहे। और बढ़िया यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स की बहुत बढ़िया लाइन लगी हुई, अच्छी तरह से बिल्कुल कोई धक्का मुक्की नहीं, बहुत आराम से सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्था थी। और इसी के साथ अन्नकूट का महापर्व यहीं पे विराम करते हैं और प्रसाद वितरण के साथ सबको दर्शन कराने के साथ साथ, और या आप गुफा मंदिर के शिखर के दर्शन कर लीजिए और इसके साथ ही अब हम घर के लिए प्रवेश करते हैं और अपना ब्लॉगिंग समाप्त करते हैं। और सभी को अन्नकूट की गोवर्धन गिरधारी की जय और सभी को राधा रानी की कर...